नमस्कार। खबरों के लिए अभी तक यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आज की खबर किसानों से संबंधित है। केंद्र सरकार बहुत जल्द मनरेगा के तहत बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए मजदूरी में 8 से 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार मनरेगा को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर यानी CPIAL से लिंक करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि PM किसान योजना और मनरेगा के तहत आने वाले किसान व मजदूरों के लिए चलने वाले कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने की योजना है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि घटते संसाधनों से निपटने के लिए सरकार इस समेकन की प्लानिंग कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेज का नेटवर्क टैक्स छूट समेत क्रेडिट सुविधा देकर बढ़ाया जाए। ऐसा भी संभव है कि किसानों को चावल और गेहूं के अलावा मुनाफे वाले अन्य फसलों की खेती करने पर भी जोर दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकम बढ़ाने के लिहाज से वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार मनरेगा के तहत दिए जाने वाले बजट को बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपए कर सकती है। चालू वित्त वर्ष में यह 60,000 करोड़ रुपए है। मौजूद वित्त वर्ष में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के लिए अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपए की मांग की है। वर्तमान में मनरेगा के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी 178 रुपए प्रतिदिन है, जो कि कई राज्य में न्यूनतम कृषि मजदूरी की तुलना में कम है। सूत्रों ने बताया है कि इंडस्ट्री और कृषि मामले के जानकारों और अर्थशास्त्रियों से इस संबंध में कई बार बैठक की गई, ताकि 22,000 ग्रामीण बाजार को ग्रामीण एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत लाया जाए। इस प्रोग्राम को साल 2018 में शुरू किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक इस प्रोग्राम को नाबार्ड के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 2,000 करोड़ रुपए की वित्तीय फंडिंग की जाती है, लेकिन इस तरह के बड़े स्तर पर प्रोग्राम के लिए यह वित्तीय फंडिंग पर्याप्त नहीं है। एक अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि इस स्कीम के लिए पृथक बजट एलोकेशन की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा अभी तक प्रदान किए गए बजट से पर्याप्त लाभ नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एग्रीकल्चर प्रोग्राम के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के लिए भी फंड की उम्मीद है। इसे स्कीम के तहत केंद्र सरकार चाहती है कि 1,000 मार्केट को कॉमन पेन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेंडिंग पोर्टल से लिंक किया जाए। साथ ही कृषि स्टार्टअप के लिए भी अलग से फंड जारी करने का प्रस्ताव है, ताकि उन्हें जरूरी इकोसिस्टम मिल सके और वे आगे बढ़ सके। सरकार का मानना है कि अधिक से अधिक प्राइवेट फंड्स कृषि क्षेत्र में आए, जिसके अनिवार्य कदम उठाया जाएगा। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।